Hi, hello. Repeat, hi, boy. Hi, hello. Oh. Hi, hello. Hi, hello. Okay. So, ये और एक छोटा सा वीडियो आज सुबह के बाद. सुबह वाला आपने चेक किया ही होगा अब तक. एक सेकंड. मुझे चावल के नीचे वाला गैस बंद करना है. एंड जो मेरे अंडे बॉईल हो रहे हैं उसके नीचे वाला. बाय द वे आज है वेडनेसडे एंड वेडनेसडे को नॉनवेज तो बनता है. सो आपके घर में क्या पक रहा है? हमारे घर में तो आज पक रहा है मटन और चावल, बिकॉज आखिर लव्स मटन विद चावल. एंड मैं तो वैसे आई एम नॉट अ मटन पर्सन, तो मैं तो नहीं खा रही हूँ. आई एम नॉट इन दैट टीम. ऋत्विज और अखिल की एक टीम है मटन वाली, मेरी तो नहीं है. मैं अंडे खाऊंगी, जैसे अभी बताया मैंने अंडे उबालने रखे थे. एंड चावल भी मेरा हो गया, मटन भी मेरा हो गया. आई एम हैप्पी. अब मैं 5-10 मिनट में ऋत्विज को खाना खिलाने ले लूँगी. तो आपके घर में आज क्या पक रहा है? नॉनवेज है, होना तो चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो. एंड या जैसे मैं आपको सुबह बता रही थी कि मैंने एक वीडियो डाला था शॉर्ट वाला, गार्डनिंग वाला. नहीं चेक किया है तो करिए चेक. ऋत्विज और मैं, ऋत्विज नहीं है पसारा काढ़ाचा. क्या होता है ना, दिन भर इसका काम है बस घर को खराब करना, अपने खिलौने निकालना. मेरा काम होता है साफ करना. कभी कभार हम दोनों की लेवल अच्छी हो जाती है, लाइक वो ख़त्म करता है और मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ, तो घर साफ दिखता है कुछ मिनटों के लिए. बट अदरवाइज़ मैं उसको बीट नहीं कर पाती, उसकी लेवल में अचीव कर ही नहीं पाती. वो जिस स्पीड से ख़राब करता है उस स्पीड से मैं साफ नहीं कर पाती हूँ. कशाला कशाला, हो नहीं पाएगा. अब मैंने अपना लेवल अचीव कर लिया था. आप देख सकते हो नीचे से ऑलमोस्ट घर पूरा साफ था. बट नाउ ही हैज स्टार्टेड हिज कॉम्पिटिशन मेरे साथ. तो सुबह वाले वीडियो के बारे में बोल रही थी, गार्डनिंग वाला वीडियो था. मैंने अपने घर में कुछ जो सारे प्लांट्स थे उनको खत पानी दिया. खत मराठी से वर्ड है शायद, खत क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजर. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक था, केमिकल था. तो वो था, मैंने कटिंग किया और अच्छे अच्छे मतलब सारे गमले साफ किए एंड सब कुछ मतलब एकदम ठीक ठाक से कर दिया. एंड पौधों की थोड़ी बहुत जगह चेंज की मैंने. सुबह हमने वो काम किया, मैंने और ऋत्विज ने मिलकर. हालांकि काम मेरे को डबल हुआ बिकॉज ऋत्विज वॉज माई पार्टनर, बट मज़ा आया. एंड अभी मैंने अच्छे से उनको असेंबल करके रखा है. हो सकता है मैं कल सुबह एक छोटा सा वीडियो डालूं आपको दिखाने के लिए कि कैसे लग रहा है, पहले कैसे लगता था और अब कैसा लग रहा है. पहले का तो मैंने फ़ोटो नहीं खींचा, पता नहीं कैसे बताऊँगी, बट मैं बताऊँगी. ऋत्विज नको ना काढ़ू खेलनी, तो मैं कल दिखाऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है. बट मेरी तुलसी जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है मुझे, क्योंकि वो पहले प्लास्टिक वाले में थी, वहीं से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. बहुत छोटी सी लाई थी मैंने, बट जब मैंने उसको अभी गमले में शिफ्ट किया है आज, तो वो मुरझा सी गई है. मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसे क्यों हुआ है मेरे साथ. कल तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पानी भी डाला है, सब 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 कुछ डाला है, कुछ छूटा नहीं है, ना ही मैंने उसकी रूट्स को कुछ तकलीफ दी है. बट पता नहीं क्या हुआ है. और हमारी मौसी आई थी तो मैंने उनको पूछा, यार ऐसे क्यों हुआ है, ये बहुत मुरझा सी गई है. तो कहती है हो जाएगी, एक दो दिन तक वो फ्रेश हो जाएगी. वो भी चेंज किया है इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है. तो बस आज की इसमें मेरे को यही टेंशन मिला है कि हमारी तुलसी जो है वो थोड़ी सी अपसेट सी हो गई है. बढ़िया. कल मैं आपको ना मॉर्निंग में आपको पूरा सेटिंग एंड पूरा सेटअप दिखाऊंगी मेरे नए नया प्लांटेशन तो नहीं किया, पुराने प्लांटेशन का नया सेटअप. सो दैट इज़ इट. और अभी हम ऋत्विज को खाना खिलाने के लिए ले लेंगे 5 मिनट में. बस मेरे को सैलेड काटना है उसके लिए, बिकॉज हमने रेगुलर बेसिस पे सैलेड स्टार्ट किया है. एंड नाउ यू कैन सी अभी यहाँ पे साफ था 2 मिनट पहले, एंड नाउ यस. एनीवेज आप अपना खाना खाओ, आज का वेडनेसडे है.
अच्छा अच्छा पका होगा घर में। मैं तो अंडे खाऊंगी एंड सी यू टुमारो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट टिल देन।